इतनी चीज की लाइफ जब हम गुजारते हैं, एक एक मोमेंट इसका, एक एक लम्हा हमारी जिंदगी का बहुत अहमियत का हामिल है। अब प्रॉब्लम क्या समझ लो, प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं, शायद अच्छा वक्त आएगा तो हम बदल जाएंगे, शायद कुछ होगा हम बदल जाएंगे। हमें बदलना है ना, हमें बदलने की कोई क्वालिटी नहीं कि हम बदलेंगे कैसे, हमारे पास मिशन नहीं है, टारगेट नहीं है, हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है। मुझे पता नहीं मुझे जाना कहाँ पर, मुझे पता नहीं मुझे करना क्या है, मुझे पता नहीं कि आगे मेरी मंजिल क्या है। मतलब बस सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती है। कल में कहा था बस यही होता है, सुबह होती है शाम, जिंदगी का मकसद नहीं हो गया। और वक्त इतने तेजी से गुजर रहा है कि अभी कहते ना कयामत के निशाने से, कयामत के निशाने से निशान ये भी है कि जब आपको सालों में पता नहीं चलेगा कि साल ऐसे गुजरे जैसे कि महीने और हफ्ते गुजरते, साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह, और हफ्ते दिनों की तरह बदल जाएंगे, ऐसे ऐसे कटेंगे पता नहीं चलेगा। तो वही हो रहा, पिछले हफ्ते आया था, इस हफ्ते में आया था, टाइम गुजर जाएंगे। तो पलक झपकते टाइम गुजर रहा है और हमें हमारे पास आ कुछ भी नहीं रहा, मतलब व्हाट कैन वी डिडंट डिसाइड आवरसेल्फ कि व्हाट टू डू इट। तो डिसाइड नहीं किया जब तक अपने आप को अपने मिशन नहीं बनाया ना करने को, तब आगे नहीं बढ़े। मैं छोटे से एग्जाम्पल दूँ, लोगों ने अपने टारगेट सेट किए होते हैं कि मुझे करना ही करना है, मैं किसी भी जरूरत ने करना ही करना, टारगेट सेट किए होते हैं। टारगेट नहीं है तो टारगेट बनाओ, बैठ के अपने बारे में सोचो, आपके बारे में अगर आप नहीं सोचोगे तो दूसरा कोई आके नहीं सोचेगा भाई, आपके मसले आप हल करोगे। आप चाहते क्या हो, आपने जब भी कभी अपने ऊपर तरस खाया तो समझ लो कि आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। यहाँ तरस खाना नहीं है, कहा जाता है अगर जिंदगी के शुरू के टाइम ने अगर आपने सख्ती से गुजार लिए तो बाकी जिंदगी आप आराम से गुजार लोगे। और जिंदगी के शुरू का टाइम आपने आराम से गुजार लिया, सुकून से गुजार लिया, मजे में गुजार लिया, दोस्तों में गुजार लिया, चुगल मेला में गुजार लिया, तो आखिर का जो टाइम होगा वो सिर्फ सख्ती में गुजरेगा, बर्बादी में गुजरेगा, कुछ हाथ नहीं होगा, कुछ कर भी नहीं सकते उस टाइम पे। उस टाइम तुम्हारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो सार का साथ नहीं देगी आपकी। अभी जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है आपका साथ भी देगी, आप कदम आप डबल टाइम भी दे सकते हो, डबल जॉब भी कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, उसके बाद बैठ के एंजॉय करना है। अभी आप अगर आप क्या करोगे, एंजॉयमेंट करोगे, स्ट्रगल कर ही नहीं रहे हो, एंजॉयमेंट करोगे, वक्त अच्छे वक्त का इंतजार करोगे, ये बात भूल जाओ कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा सोचेगा, ये बात भूल जाओ। ये बात अपने दिमाग में रखना ही नहीं कि कोई दूसरा आएगा बोलेगा कि मिस्टर यू आप यहाँ कहाँ बैठे थे, तो आपको तलाश कर रहा था भाई, आपकी तो जरूरत वहां पर है। आप इस चीज का इंतजार कर रहे हो तो बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी रखी है, क्वालिटी रखी है, जिसको तुम पहचानना जरूरी होगा। पहचान कैसे रहे ना, जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो, जो काम करने का दिल चाह रहा हो, जिस काम में आपका टाइम लिमिट का पता ना चले, जहां पर आपको 8 घंटे देने, आप 15 घंटे दे रहे हो, 16 घंटे दे रहे हो, लेकिन कोई बोल रहा है जाओ भाई छोड़ कर, फिर भी आप लगे हो, ये चीज के लिए तुम बने हो, जिसके अंदर तेरा इंटरेस्ट है, जिसके बिना टाइम का लिमिट आपके पास नहीं पाई जाती, टाइम बॉन्डिंग से बाहर निकल जाते हो, जिस काम करने में टाइम पॉइंट से बाहर निकल जाते हो। अगर अब मैं काम करता हूँ, काम करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ यार कब छुट्टी होगी, समझते वो काम के लिए बना ही नहीं। और वो शख्स नाकाम है, नाकाम है जो ये कहता है मैं अपने काम से मुतमईन हूँ, मैं बिल्कुल सुकून से अपना काम करता हूँ, काम से मुतमईन हूँ। जिसके अंदर बेचैनी जब तक नहीं है कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर वो समझता है मैं काम में सुकून में हूँ, इसका मतलब ये अब वो आगे बढ़ नहीं सकता। आगे बढ़ने वाला बंदा कौन होता है, जो बैठा हुआ इस कुर्सी पे, नजर है किसी और कुर्सी पे, मुझे वहां जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो वो सुकून से कभी बैठेगा नहीं, वो आगे जाने की जस्तजू करेगा, जद्दोजहद करेगा। लेकिन यहाँ पर बंदा जहाँ काम में बैठा हुआ वो बैठता है, मुंह में छाले दबाए, मुंह में मावा दबाए बैठ के काम कर रहा होता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। वो सही में सुकून से वो सैलरी मिले ना, वो आगे बढ़ पाएगा, और जब उसको उस जॉब से निकाला जाएगा तो वो उस जॉब तक भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? उसने कभी आगे स्ट्रगल नहीं। ऐसे लोग जिंदगी को बर्बाद करते हैं, उसको सिर्फ सीढ़ियां बनानी है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोगों को सर्कल बनाओ जो तुम्हें मोटिवेट करे और तुम्हें बताए कि आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे कुछ काम करना है, ताकि वो तुम्हें एक बूस्ट दे सके, ताकि तुम कामयाबी तरफ जाओ। बूस्टिंग कहां पर है? हम जिन दोस्तों के साथ बैठते हैं वो दोस्त नाकाम होते हैं। फेलियर के साथ बैठोगे तो यकीनन दिमाग को फेलियर बनाएंगे आपको। अब कामयाब के साथ बैठोगे तो दिमाग कामयाबी की तरफ जाएगा। आप उनसे कुछ ना कुछ हासिल जरूर करोगे, उनके आइडियाज ले लोगे, उन चीजों में जाओगे, कोशिश करोगे मैं भी ऐसा बन जाऊं। जब नाकाम के साथ बैठोगे तो बोलोगे यार इसकी भी जिंदगी गुजर रही है ऐसी बर्बाद होता रहा, मैं भी कुछ नहीं करता, उसने तो ग्रेजुएशन करके कुछ नहीं किया, मैं तो इंटर पास हूं, मैं कहां से कर पाऊंगा। तो याद रखना कभी कामयाब नहीं होंगे। तो कामयाबी के लिए अच्छा फ्रेंड सर्कल भी होना लाजमी होगा। अच्छा मतलब कामयाब फ्रेंड सर्कल होना लाजमी होगा। पहले तो सबसे पहले ये टारगेट बनाओ कि तुम्हें करना क्या है, तुम बनना क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में। मैं छोटे से एग्जाम्पल दूंगा आगे बढ़ूंगा बात को लेकर। अभी मेरे एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया,
उसको बड़ा शौक था ऑनलाइन मार्केटिंग का, बड़ा शौक था उसको, शुरू से बड़ा शौक था। उससे किसी ने पूछा नहीं, उसके माँ ने मना किया, मत करो काम, क्या कर रहे हो पागल हो, कुछ नहीं फायदा हुआ, कोई 2000 लोग बैठे हुए, हजारों लोग बैठे हुए यार, कोई बंदा इतना कामयाब नहीं हुआ, तुम भी जाके अभी सूट बेचना शुरू कर दोगे, तुम वहां पर ऑनलाइन बैठ के इंटरनेट के जरिए आप फिलहाल बेचोगे शुरू फिलहाल, अभी कौन खरीदेगा, नहीं करो नहीं करो। लेकिन बच्चे उस लड़के में इंटरेस्ट था, उस मेरे स्टूडेंट में क्या पाया गया, एक इंटरेस्ट, एक बस मुझे करना है जदोजहद था, चाहे मैं नाकाम क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट करना है तो मुझे करना। याद रखना, जिसका इंटरेस्ट होता है ना वो ये नहीं देखता कि कामयाब होगा या नाकाम होगा, बस उसको वहां तक क्या होता है पहुंचना होता है। मुझे अगर यहां से कहीं पर एक डेस्टिनेशन रखी है, मुझे वहां पहुंचना है, तो मुझे सुकून कब मिलेगा वहां पहुंचने पर। लोग 10 साल लोग बोल जाए वहां पर कुछ भी नहीं है, सहरा है वहां, फायदा ही नहीं है, जंगल है, लेकिन जब तक मुझे, मैंने अपना टारगेट बनाया मुझे वहां तक पहुंचना है, तो मैं पहुंच के ही दम लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने सही फैसला लिया था कि गलत फैसला लिया। जब तक मैं करूंगा ना, जब तक मेरे अंदर क्या होगी, एक कश्मकश होगी, मैंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। करना लाजमी है जिंदगी के अंदर, लेकिन कैसे करोगे पता चले, उसका आउटपुट मिलता है, लोगों ने लिया है आउटपुट, बहुत से लोग उससे कामयाब भी हुए हैं, तो फिर आपको एक बूस्ट मिलेगा। तो आप जब भी ऐसे कोई काम शुरू करो, तो ऐसे लोगों की पूरी एक लिस्ट निकालो गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर, देखो कि लोग कितने बूस्ट हुए हैं, कितना कामयाबी हासिल की है, तो आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगी। ना कि ऐसे लोगों से मिलो जो आपको ये बोले क्या करोगे भाई, कोई नहीं फायदा है, आगे नहीं। क्योंकि ऐसे लोग पाए जाते हैं दुनिया के अंदर जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, रोकेंगे, टांग खींचने वाले लोग बहुत हैं, अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम है। खुद को अब बूस्ट, खुद करो, अब आगे बढ़ो। उस लड़के ने क्या किया, वो क्या करता था, शॉप में जाया करता था, या शॉप में देखता था कि यार ये दुकान में एक कपड़े की एक सूट आया हुआ है, तो आके वो मार्केट करता था उसको, और लोगों को ऑफर करता था कि आप किस तरह के मार्केट, किस तरह के कपड़े चाहिए डिजाइन करने के लिए, मैं आपको पेश कर दूंगा, तो उसके रेट बता दूंगा। तो लोगों ने 2-3 ऑर्डर दिए, हमें ऐसे कपड़े चाहिए, तो जाके पूरे ऑर्डर लेता था वहां से, और लेके आता 2500 का, 3000 का, तो लोग उसको ऑर्डर लेते, तो खुद बनवाया करता था, और खुद उसको राइडर बनता था, खुद जाके पहुंचाया करता था, फिर कितने 400-500 रुपए का फायदा मिलता था उसे एक सूट पर। तो डेली ये काम करता था, लेकिन उसको ऑर्डर ज्यादा मिल नहीं पाता था, क्या करूं। अब वो बैठा नहीं, सुकून नहीं मिला उसको, बैठा नहीं उसने, क्या कोशिश कर, क्या ऐसा काम करो। फिर उससे क्या करते, एक लाड उठाई, कपड़ों की एक लाड उठाई, लाड मतलब कि 10-15 ड्रेस उठा लिया, उस तमाम 10-15 अच्छी सी ग्राफिक पिक्चर खींची और उसको अपने पेज में डाल दिया, और लोगों को कहा कि इसको खरीद लो, ऑफर कर दिया, नीचे टैगलाइन भी डाला, रेड डेट्स भी बता दी, और लोगों को कॉन्टेक्ट भी करता रहा, लोगों से बात भी करता रहा। तब लोगों ने फिर इसके बाद क्या, एक महीने में इसके 1200 या 2 महीने 1200 की बिक गए। अब इसको मेरा कॉन्फिडेंट बिल्डअप बोले, क्या जहाँ 200 बिक रहे थे 1200 बिक रहे। तो इसने क्या, ठीक है अब मैं क्या करूँ, तो लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा करो, अपने पेज को बूस्ट करवाओ, अपने एडवर्टाइजमेंट करवा दो। इसने तकरीबन 3-4 हजार रुपए देकर अपनी फेसबुक करा दी बूस्ट करा, जैसे कि मैं बूस्ट करवाता हूँ कि मुझे उसी दिन मुझे अच्छे खासे मुझे क्या मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं, ऑर्डर मिलने के बाद मुझे अच्छी वो मुझे अर्निंग होती है। तो मैंने अपनी 30 वालों के साथ, जितने भी यहाँ पर जो कोरियर वाले हैं, इन सबसे मैंने कॉन्टेक्ट बनाया, इनके साथ मैंने लिंक बना दिया, और हमने चीजें बेचना शुरू की। पूरे पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ आवाम है तकरीबन, जो लगभग मर्दोशुमारी के मुताबिक कितने आवाम है, 22 करोड़। तो 22 करोड़ की आबादी से ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। अब 22 करोड़ की आबादी के अंदर आप एक बंदे कोई प्रोजेक्ट बेच रहे हो, समझ लो उसमें से अगर आप समझ लो आधे कर दो, 11 करोड़ फेसबुक इस्तेमाल नहीं करती, आप 11 करोड़ को तो अपने माइंड में रखना ही, 11 करोड़ में से कितने बाकी रह गए, बाकी 11 करोड़ लोग, अब इसमें से आधे और कर दो, 11 में से अगर आधे कर दो, समझो 5 करोड़ को साइड में कर दो, 5 करोड़ को रख लो, 6 करोड़ को साइड में कर दो, वो 5 करोड़ लोग 6 करोड़ लोग वो हैं जो मोबाइल को एसएमएस में जो है ऑनलाइन मार्केट को पसंद नहीं करते। अभी भी कहां पर पहुंचे आप, अभी 5 करोड़ लोगों में पहुंचे, उन 5 करोड़ लोग में ऐसे हैं जो तनकीद करते हैं भाई ये गलत है, ये सही नहीं है, फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है, उनमें से निकाल दो, फिर भी आपके पास 2.5 करोड़ लोग बचेंगे। अगर 2.5 करोड़ लोगों को भी अगर आप एड करते हो, उसमें से 1 लाख लोग, अगर 1 लाख को साइड में, अगर 1000 लोग भी अगर आपकी चीज को देख रहे हैं मंथली, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप हिट हो के लेस, तो हिट होना यार, तो आप हिट होना। आपके टारगेट 22 करोड़ आवाम भी नहीं है, आपकी करारे 11 करोड़ आवाम भी नहीं है, आपकी 5 करोड़ आवाम है। 5 करोड़ में से वो लोग तो निकल के बाहर आ ही जाएंगे ना, जिसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो अगर वो भी ऑर्डर करते, पता आज क्या करता है वो लड़का, आज उसने माशाल्लाह मेरा स्टूडेंट मुझे बता रहा था 2 दिन पहले कि उसने तकरीबन एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाया अपने घर में, 6 महीने के अंदर, तकरीबन 1 साल के अंदर, सॉरी 1 साल के अंदर उसने अपने घर में एक ऑल्टो कार लेके आ गया, उसके भाई की मदद से। भाई जो है सुबह टीचिंग करता है, शाम में भाई के साथ होता है, तो उसकी माँ ने देखा तुम बाइक कहाँ से लेकर आ रहे, कार कहाँ से लेकर आ रहे, तो माँ मैंने यूँ काम किया। तो अच्छा, जो माँ ने नीचे का एरिया दिया था खाली नहीं करनी थी,
अब इसे माने तो अपने घर के नीचे के एरिया पूरे पूरे इसको दे दिया। अब अपने दोस्त बनाओ, ऑफिस बनाओ, जो भी करने का, क्यों पैसा नजर आया, कामयाबी नजर आई, स्ट्रगल नजर आई। पहले वहां के दिन तुम छोड़ो, टाइम वेस्ट कर रहे, फला कर रहे, तो कामयाबी के साथ अब उसके अंडर 10 बंदे काम करते हैं, 10 कंप्यूटर लैपटॉप दिए, 10 मोबाइल फोन दिए और लोगों को लगाया, काम करते हैं, फीमेल मेल काम करते हैं, ऑफिस में बैठा हुआ ये क्या करता है, डील करता है। अब ये फैक्ट्री वाले डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है, अब महीने के 25,000 ड्रेस लेकर आता है, 25,000 ड्रेस, कौन से वाले, एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस लेकर आते हैं और मार्केट करते हैं। कहते मैं सिर्फ दिन के 50,000 ऑर्डर में देता हूं, गेटिंग नाउ कहां से स्टार्ट करते हैं, एक ड्रेस आज एक दिन के 50,000 किसके देता है, ये एडवर्टाइजमेंट के देता है अपने प्रोडक्ट के। तो सोचो इसकी, इसका टारगेट अभी खत्म नहीं हुआ, पता क्या कहता है, सर जो मेरे प्रोजेक्ट जो है ना, मैं चाहता हूं मैं अपने ऑब्जेक्ट जो है और बढ़ा दूं और प्रोडक्ट को बढ़ा दूं। अब ये तो रमजान सीजन आ रहा है, कुछ और चीजें भी क्या कर दूं, ऐड कर दूं, समझ में आ गई इसकी बात, क्योंकि ये पहले बंदा नहीं जिसने ऐसा काम किया, कई लोग कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोरी वाले कुछ लेके जा रहे हैं, सब कुछ कुछ बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन क्या करना है, इसके अंदर एनर्जी थी काम करने की। मैं नहीं बोलता हूँ कल से आप मार्केट शुरू कर दो, मैं कहता हूँ एक बंदे ने हिम्मत की, अकेले खड़ा हुआ, एक मोबाइल से लेकर, एक लैपटॉप को लेकर ये खड़ा हुआ, स्टार्ट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सेल्फ मेड है, और आज ये कहता है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा कमाता हूँ, और ये कहता है कि सुकून से कमाता हूँ, वो कहता है कि मुझे टेंशन नहीं है, और 10-12 बंदे मेरे अंडर काम होता है, उनको भी मेरे हाथ से रिस्क दे रहा है, और मैं अच्छे घर को कपाला सम्मिलित कर रहा हूँ। मीन व्हाट, इसके अंदर एनर्जी थी करने की, तो सोचा मुझे करना है, दिन रात से हमारे टारगेट है, अब इसका हर दिन अच्छा गुजरता है, कैसे सोचता है, जितने मेरी आज सेल हो गई, आज से सेल हो गई, ये कहता है मैं कोई 2 नंबर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं माल बेचता हूँ तो बेचता हूँ, प्रॉफिट रख के बेचता हूँ, प्रॉफिट रख के दर मतलब मेरे कोरियर जाता है, मेरे पूरे पाकिस्तान में बिकती चीजें, मई में पाकिस्तान के हर कोने में मेरी चीजें जाती है, रिटर्न भी होती है, लेकिन ज्यादातर मेरी चीजें कामयाब होती है, क्यों, मैं सीधा काम करता हूँ, अल्लाह साथ देता है, अल्लाह ताला साथ देता है। तो यार हिम्मत तो करो, तुम क्या सोचते हो कोई आए मुझे बोले चलो ये तुम्हें जॉब के लिए लगा रहा हूँ, चलो तुम्हें कामयाब की तरह, अरे भाई कामयाब खुद होना है, स्टार्ट यहां से करो, खुद होके दिखा दो। कहते ना बिल गेट्स, कहते वो कारोबारी शख्स या वो बंदा जो जॉब करता है नाकाम है, जब वो ये सोचता है कि मंडे को कब संडे आए, और मंडे को जब बोलता है मंडे काम शुरू करता है तो वेट करता है कब संडे आए, तो सर वो कामयाब नहीं है। याद रखना जो जो बंदे इंटरेस्ट लेते हैं ना वो ये नहीं सोचते कि कब संडे आए, उनके संडे के अंदर भी मजा नहीं आता, वो काम में ज्यादा मजा आता है, इसका मतलब क्या, उसका इंटरेस्ट उसके साथ। अब तो हम लोग काम से क्या करते हैं, या आप अपने जिंदगी के लिए नुकसान कर रहे हो, तो टाइम जो जा रहे हैं, टाइम भी बहुत जा रहे हैं, ये जिंदगी क्या हो रही है, खराब हो रही है, आप इतना टाइम स्ट्रगल हो रहा है ना, वेस्ट हो रहा है, सुसाइड जगह पहले तो सोचो करना क्या है, मुझसे बनाओ करना क्या, अपने ऊपर टारगेट दो, टाइम लगाओ करना क्या, उसके लिए काम क्या करना है, उसके लिए कोई काम हो भी रहा है कि काम नहीं हो रहा है, सिर्फ वेस्टिंग हो रही है टाइम, काम हो रहा है कि नहीं काम हो रहा है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर एनर्जी डेवलप की है, उस एनर्जी को पहचानो, आगे बढ़ो। आजकल के दौर में सुन लो गौर से, आजकल के दौर में डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं कर रही है, स्किल्स इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं गूगल यूट्यूब में, वहां पर डिग्री मैटर नहीं है, क्या मैटर है, स्किल्स मैटर है। आज फाइबर में जॉब करने वाला, अब जानते हो मिस्टर एके वाजा को, वो क्या करते हैं, काम करते हैं, कहां पर काम करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर में फ्रीलांस काम करते हैं, 1,50,000 मंथली इजी कमाना मुश्किल नहीं है उसके लिए, क्या करना होता है फ्रीलांस के अंदर भाई, आपको स्किल्स क्या आती है वो पूछते हैं आपको, क्या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, क्या आपको वेब डेवलपिंग आती है, क्या आपको कंटेंट राइटिंग आती है, क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाइनीज आती है, मतलब व्हाट कैन यू डू इट। तो आप जाके वहां अप्लाई करोगे, वहां अपने स्किल्स को लिखोगे, उसके बाद आपके पास जॉब्स आएंगे, आप उसको अप्लाई करो, आपको परफॉर्म करो, मतलब आपके पास बहुत बड़ी दुनिया है। आजकल डिजिटल मार्केट चल रही है भाई, तो बहुत सारा काम है, घर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग का दौर चल गया आजकल, वी हैव नॉट वर्क टू डू इट, बट आई डोंट नो व्हाई डोंट यू, व्हाई डोंट यू, यू आर वेटिंग फॉर व्हाट। गुड टाइम आता नहीं, गुड टाइम बनाना पड़ता है, आपका टाइम गुड होता है लेकिन उसको बैड आप बना रहे हो, संडे जाया में गुजरेगा। एक बंदा ऐसा है मैं जानता हूं सर, सिर्फ मैथ्स पढ़ाता है, सिर्फ मैथ्स पढ़ाता है, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना उर्दू ना इस्लामिक, सिर्फ मैथ्स पढ़ाता है, उसकी क्लास में जगह नहीं होती है, वो खुद भी सिर्फ बीकॉम किया हुआ है और साइंस की मैथ्स पढ़ाता है, लेकिन उसके पास एक्सपर्टीज मौजूद है, और ऐसा एक्सपर्ट बंदा है
वो मैथ्स जो पढ़ाता है बच्चे को बोलता है गारंटीड बोलता है 90+ नंबर लेके आओ तुम। और उसकी सिर्फ जो फीस एक आम कोचिंग में चार पांच हजार फीस होती है एक बच्चे की तमाम सब्जेक्ट पढ़ाने की, उससे एक सब्जेक्ट के 4.5 हजार ले रहा होता है। और बच्चे उसके बाद यूं रश लगा होता है पढ़ने के लिए, व्हाई? क्यों? वो अपने स्किल्स को डेवलप कर रहा है, स्कूल पढ़ाए उसने और एक को पकड़ा है कि एक दरगीर मौकम गिर उसने वो काम किया है और आज उसके बाद तांदा बना हुआ स्टूडेंट का, लेकिन वो काम ऐसे एक्यूरेट कर रहा होता है कि मैथ्स में बच्चा फेल नहीं हुआ मेरी गारंटी है। जो बच्चे मैथ्स में बुला दिया दादा खाते हैं, जब बच्चे परेशान होते तो अपने बच्चे को क्या होता है सॉफ्ट हैंड देखते हैं तो वहां से पहुंचे। तो आई होप दैट कि आप लोग सबके सब अब अपना एक मिशन बनाओगे, पहले अपना टारगेट सेट करो, पेन कॉपी लो, अपने बारे में सोचो। आप कहते हैं मेरे बारे में कोई सोचे भी दूसरा, मेरे लिए कोई करे भी दूसरा, मेरे लिए पूरे प्लेट में बना के दे। भाई माँ के लिए कोई ऐसा काम कर नहीं सकता, माँ ही तुम्हारे लिए सब नखरे बर्दाश्त कर सकती है। माँ वो जात है जो तुम्हारे लिए कपड़े भी तैयार करे, तुम्हारे लिए खाना भी तैयार करे, तुम्हें खिलाए भी, ना खाने भी, तुम्हें नखरे बर्दाश्त करे। और बहुत अच्छा बनाने के बाद तुम ये खाने के बाद ये बोलो कि माँ नमक कम था, मसाला ज्यादा था, इसमें मजा नहीं आया, टेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी माँ ये जो बर्दाश्त करेगी भाई, और कोई रात तुम्हारी बर्दाश्त नहीं करेगी चीजों को। और तो ये मत समझना कि मैं घर पे बैठूंगा तो कोई आएगा मेरे लिए बोलेगा तुम्हारी जॉब आ गई है, कोई नहीं करेगा, नोबडी एल्स। कहते मुझे मुकाबला किससे करना है? खुद से। तो आका ने फरमा दिया तुम्हारा पिछला वाला टाइम, तुम्हारा जो है अगला टाइम पिछले से क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हर गुजरा पल, आने वाला पल पिछले पल से क्या होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। ये मोमेंट की पहचान होती है और अपने आप को बेहतर करते जाता बेस्ट करते जाते। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को वर्स्ट करते रहते, अपने टाइम को खराब करते बजाय अपने अंदर कोई मिशन नहीं बनाया, कोई टारगेट नहीं बनाया। जहां चल लो, जो बंदा कहता है मैं कामयाब हूं, काम में सुकून है, मेरी जिंदगी में वो नाकाम है। सुकून इसका मतलब आगे बढ़ नहीं रहा। इसके बड़े बड़े एग्जाम देने वाले, बहुत बड़े एग्जाम समझना इस बात को। मिसाल देता हूं, एक रवा पानी है, एक चलता हुआ पानी है, पानी चल रहा है, रुक नहीं रहा, पानी चल रहा है। तो कहा जाता है चलते हुए पानी में अगर कोई नापाकी भी गुजर जाए तब भी वो पानी पाक है। गुजर रही हो पानी क्योंकि वो पानी बह रहा है। अब उसमें पानी में वजू भी कर सकते हो, गुसल भी कर सकते हो, क्योंकि वो पानी क्या है? चल रहा है, रुक नहीं रहा। अगर रुका हुआ पानी है, और रुका हुआ पानी चाहे कितना भी ज्यादा पानी क्यों ना हो, अगर रुका हुआ पानी इतना पानी है कि अगर आप उसके अंदर दाह दर्दा नहीं है, उसके अंदर अगर आप हाथ डालो रुका हुआ पानी है तो पाक नहीं होता। बल्कि जो दूसरा बंदा उसका हाथ डालता है वो नापाक पानी होता है, उसको भी क्या कर देता है? नापाक कर देता है। अगर उसमें कोई गंदगी गिर जाए, नापाकी गिर जाए तो वो भी नापाक, जिस बंदे ने हाथ डाल दिया वो भी नापाक। जो चलता हुआ पानी है खुद भी पाक होता है, जो उसमें हाथ डालता है वो भी क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। जो उसमें वजू करता है वो भी पाक हो जाता है। तो ऐसी मिसाल मैं देता हूं आप लोगों को, वो बंदा जो आगे बढ़ता रहता है, जो आगे जिसका पिछला पल अगले पल से जो होता है क्या, पिछला पल अगला पल जो होता है पिछले पल से क्या होता है? बेहतर होता जाता है, आगे जो जा रहा है कामयाबी तरफ जा रहा है, मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वो भी कामयाब होता है। जो उसके साथ होता है वो भी क्या हो जाता है? कामयाब हो जाता है। और जो रुका हुआ इंसान है और जिस जॉब में है वहीं पर खुश है, आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या? रुका हुआ पानी हो गया। जो इसके साथ देगा वो भी नाकाम होगा, वो खुद भी क्या होगा? नाकाम होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उसकी एक्सपर्टीज खत्म हो जाएगी, जब उसकी नीड खत्म हो जाएगी, जब उसको बॉस बोलेगा अल्लाह हाफिज, तो फिर आगे भी नहीं बढ़ सकता ना पीछे जा सकता है, तो वो भी खराब, उसके साथ देने वाले वो भी खराब। इसलिए कि चलता हुआ पानी खुद भी पाक होता है, दूसरों को भी पाक होता है। इसलिए आगे बढ़ने वाला आदमी खुद भी कामयाब होता है, दूसरों को भी कामयाब करता है। तो चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें एक तरफ बैठना नहीं है, आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करना है। दिन को सोचो अपने बारे में कि हमें आगे डेवलप करना है। जिंदगी ऐसे बर्बाद कि अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी जो दी है मेरे लिए बहुत कीमती है, अगर मैं ऐसे ही मर गया, अगर मैं ऐसे ही मर गया तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया? करोड़ों लोग पैदा हुए, अरबों लोग पैदा हुए, मर गए, कुछ लोग याद हैं, क्यों? अपने कारनामों की वजह से। कुछ लोगों का नाम हम सुनते हैं, क्यों? अपने अच्छे कामों की वजह से। कुछ लोग हमें याद हैं क्योंकि कुछ ज्यादा ही बुरे काम कर दिए हमने। दो बंदे याद होते हैं, या तो कामयाब या तो बहुत गलीज काम करने वाले लोग याद रहते हैं, और जो अच्छे काम करने वाले लोग भी हमेशा याद है, वो अच्छे में याद रहते हैं और बुरे में याद रहते हैं। तो अच्छा काम करो ताकि आप जिंदगी भर दूसरों के लिए भी अच्छी साबित हो, मिसाल बनो, और जब बुरे काम करोगे तो तुम भी बुरे हो जाओगे, कामयाबी की तरफ नहीं जा पाओगे। तो आज की यही हमारी मजलिस है कि खुद को बदल जाओ।
अपनी उड़ान को और ऊंची उड़ान बना लो, जिंदगी कामयाब हो जाएगी, कोई दूसरा चेंज नहीं करेगा। वो आखिर उदाहरण।